बजरंग पुनिया ने इनवाइट किया, ट्रैक्टर लेकर आओ, आगे करिए स्वागत। आगे बढ़ेंगे, आज के एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उधर कर्नाटक चुनाव में बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई है। बजरंग दल पर बैन को लेकर या बजरंग दल विरोधियों का पर्चा काट दिया बाबा बागेश्वर ने, रिपोर्ट देखिए। हनुमान भक्त बाबा की बड़ी हुंकार। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है ना हो सकता है। बजरंग विरोधियों के खिलाफ बाबा की ललकार। कर्नाटक में बाबा ने काटा बजरंग विरोधियों का पर्चा। तो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा, ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ। बिहार से कर्नाटक तक लंका दहन वाला प्रहार। कर्नाटक में बजरंग बली इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री भी चुनावी रण में कूद चुके हैं। हालांकि वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं, अपने आराध्य बजरंग बली के लिए हुंकार भर रहे हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल पर उठाए मुद्दे के बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहा है और बाबा बागेश्वर ने भी कह दिया है कि वो बजरंग बली का अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार किसी भी भगवान की, किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है ना हो सकता। बागेश्वर बाबा खुद हनुमान के भक्त हैं और उनके दरबार में बजरंग बली के चमत्कार की चर्चा होती है, इसीलिए कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान काफी अहम है, क्योंकि बागेश्वर बाबा हिंदुत्व के बड़े चेहरे बन चुके हैं और कर्नाटक चुनाव में बाबा उतर गए तो चुनावी रुख पलट भी सकते हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। क्योंकि अब तक जहां जहां बाबा गए वहां सेक्युलर दलों को ही बाबा के प्रवचन से पेट में दर्द होने लगा था। कर्नाटक की तरह बिहार में भी बाबा पर संग्राम है। जैसे जैसे बिहार में बाबा के आने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, मई की गर्मी में सियासी पारा भी तेज है। अब कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के दौरे को लेकर बिहार की धरती पर बाबा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। बाबा भी पटना में अपने दरबार को लेकर बड़े आनंदित हैं। पटना में पंडित धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। 13 मई को बागेश्वर वाले बाबा बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, लेकिन इसके पहले ही सियासी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे हनुमान के ऐसे पुत्र, हनुमान के अनुयायी उनको जेल के अंदर बंद करेंगे। अरे पता है, रावण से भी सीख लो। रावण ने हनुमान जी को बंद करके उसके उनके पूंछ में आग लगा दिया था। क्या हुआ परिणाम? स्वर्णमय लंका जल गया और रावण सदा सदा के लिए रावण का अंत हो गया। ऊपर से बहुत सारे लोग को भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत तरह के अनैतिक कार्य भी किया जा रहा है लोगों को भेष बदल करके। कितना घिनौना काम है, शर्म करो और बोल मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार आने का पर्चा क्या काटा, उनके सनातन प्रोजेक्ट के खिलाफ बिहार में सियासी भूचाल आ गया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जेल गए थे, बिहार आने पर धीरेंद्र शास्त्री के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है। ये जो ये लोग जो धर्म के नाम पर
व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है, वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो जो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। उनका प्रवचन होगा और होगा, और किसी की हिम्मत नहीं सरकार की कि धर्म गुरु को कोई पटना की धरती पर उतरने से बागेश्वर महाराज को रोक ले, चाहे किसी धर्म। जो आदमी रामचरितमानस को जो अपमान करेगा नहीं नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और रामचरितमानस का अपमान करने वाला वो मिट्टी में मिल जाए। बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को रोकना है चाहे जैसे भी। बिहार के सहकारिता मंत्री ने तो बाबा के दिव्य दरबार पर ही सवाल उठा दिए। आपकी माँ बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग भूत भरता वहाँ, कपड़ा खुल जाता वहाँ। जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 3200 दांत झड़ जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से हनुमंत कथा का वाचन करने पटना पहुंच रहे हैं। हम आयल बानी अब बाबा के आगमन को लेकर मचा बवाल कहां जाकर थमेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर विपक्षी पार्टियां इतनी डरी हुई क्यों हैं?